वी विल रीच गुवाहाटी टिल मिडनाइट, जो कि कोविड की वजह से ट्रैवल ही बड़ा परेशान हो गया है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई एम बैक इन इंडिया। मैं हूँ अभी बिहार में रक्सौल बॉर्डर के पास। सो पहली लिफ्ट भैया ने दी है और भैया जा रहे हैं सीधा पटना, और हमें पटना से ट्रेन लेनी है सिलीगुड़ी जा रहे हैं हम, और हमें ट्रेन लेनी है राजेंद्र नगर से। सो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं भैया के साथ एर्टिगा में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लिफ्ट जो हमने बिहार में मांगी और हमें मिल गई। हमारे पास ट्रेन का ऑप्शन था बट ट्रेन निकल चुकी थी सुबह 6 बजे ही। अभी हैं हम मैं और शक्ति भाई राजेंद्र नगर टर्मिनल बिहार में, और हमारी ट्रेन है रात को 11 बजे। सो अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास, और हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी से देखते हैं किधर डेस्टिनेशन जाती है हमारी, अभी डिसाइडेड नहीं है। मेघालय या फिर गैंगटॉक या फिर उसके आसपास कोई भी नॉर्थ इंडिया की साइड, मणिपुर भी हो सकता है। सो थोड़ी ठंड है, वीडियो थोड़ी शेकी हो सकती है क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ फिलहाल, और ये मैं रेलवे स्टेशन पर ही हूँ अभी। सो स्टेशन बिल्कुल खाली है फिलहाल, और ट्रेन हमारी आई हुई है ऑलरेडी। अब आपसे सुबह मिलते हैं बिल्कुल। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने, प्लीज़ कर दो एंड वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो आफ्टर 13 आवर ऑफ ट्रेन जर्नी हम लोग पहुँचे न्यू जल बायपुरी समथिंग, वेस्ट बंगाल पे हैं, और अभी यहाँ से ट्रेन ले रहे हैं हम, जिसका हम लोग अभी जर्नल का टिकट लेने गए थे, और टिकट तो उन्होंने नहीं दिया, लाइक इट इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज हम लोगों का प्लान चेंज हो गया। हम जा रहे हैं गुवाहाटी, एंड ट्रेन यहाँ से एक आएगी अमरनाथ एक्सप्रेस है, जो कि लगभग 1 से 1.5 घंटा लेट चल रही है। सो वी विल रीच गुवाहाटी टिल मिडनाइट, जो कि 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और हमारे पास ट्रेन का टिकट नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी एक्चुअली, एंड ये ट्रेन है कैपिटल एक्सप्रेस जिससे हम लोग आए थे, एंड वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट 1.5 आवर। एक्चुअली ट्रेन काफ़ी लेट थी, 2.5 घंटे, और यही फ़ायदा है ऐप का। सो अभी वेट करते हैं, अगर ट्रेन का कुछ इशू होता है, सॉरी टिकट का कुछ इशू होता है तो आपको देखने को मिल जाएगा, वरना हम लोग फ्री में पहुंच जाएंगे जैसे पहले गए थे, या फिर हम लोग को फाइन देना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी जनरल कोच में है, और हमने UTS से टिकट तो बुक कर ली थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने क्लिप देखी होगी, मैंने बैग में फ़ोन लगा रखा था। तो यहाँ बैठे शक्ति भाई गेटिंग बोर्ड, और सेम गोश फॉर मी, बैग अपने पास ही है बट बहुत गंदा हो रखा है। सो अभी लगभग हम रात को 12 बजे तक पहुँचेंगे भाई गुवाहाटी, तो 12 बज जाएंगे। सो देखते हैं, रात को कैंपिंग ही करेंगे, होटल तो हम लेंगे नहीं। सो आपको व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी गाइस, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सब्सक्राइब कर लो, और मैं दाउकी रिवर जाने वाला हूँ, उसका व्लॉग आएगा। सो सो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं या फिर एक वैक्सीन लगी है, उन लोगों को ये स्लिप लेनी है यहाँ से, और ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जस्ट बिकॉज कोविड का कुछ थर्ड वेव आ रही है, समथिंग लाइक दैट।
सो गुवाहाटी स्टेशन पे अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं ली हैं तो आपका कोविड टेस्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल फ्री में है। सो आपको यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो बस एक स्लिप दे देंगे वो लोग और आप आगे जाके एग्जिट कर सकते हो। सो चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, तो अगर वैक्सीनेटेड नहीं हो तो वैक्सीन लगवा के आना, वरना कोविड टेस्ट फ्री में है, उसकी टेंशन नहीं है। 20 मिनट के आसपास टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे और रिपोर्ट आ जाएगी। सो कुछ ऐसी सी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। वो 11:30 बजे ट्रेन से निकल गए थे और अभी टाइम हो गया है 12:50, जो कि कोविड टेस्ट में शक्ति भाई को टाइम लग गया। मैं वैक्सीनेटेड था तो मुझे बिल्कुल 2 या 1 मिनट लगी होंगी स्लिप लेने के लिए। तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के, लाइक सामने रेलवे स्टेशन है, ये स्टोर है। खाने को तो कुछ खास मिला नहीं, तो एक लस्सी और एक मैगी ले ली। बाकी अभी एक हो रहा है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से कैंप लगाने के लिए। कहीं जगह मिलती है या नहीं वो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सुबह हम निकलेंगे शिलोंग के लिए, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। तो बस लेंगे हम, बस का फेयर आपको बस में बैठ के बताता हूँ मैं आगे।